ओके, तो तीसरा हम लोग देख रहे थे कि इंटीरियर एंगल का। तो इंटीरियर एंगल के मामले में बात ये होता है कि भाई इफ द लाइन्स आर पैरलर, प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, इफ द लाइन्स आर पैरलर देन इंटीरियर एंगल्स विल बी सप्लीमेंट्री। बराबर, लाइन्स पैरलर है तो दोनों का एडिशन 180 डिग्री रहेगा। और टेस्ट क्या बोलता है अपने को कि भाई अगर दोनों का एडिशन 180 रहेगा, जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम निकाला है, लाइन एन है, एल है, एम है, यहाँ पे दो एंगल बन रहे, दिख रहा है 110 एंड 90 डिग्री। अब ये दिखाई देने में इंटीरियर एंगल जैसे दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इमिजिएटली उनका एडिशन करके देखेंगे 180 डिग्री आ रहा है क्या। इसका मतलब कि ये दोनों एंगल आपस में कैसे है, दे आर सप्लीमेंटरी। एंड इफ दिस एंगल्स आर सप्लीमेंटरी देन द लाइंस विच फॉर्म दोज एंगल्स, दोज लाइंस विल बी पैरलर विथ इच अदर। तो लाइन एल और एम कैसे रहेंगे, आपस में पैरलर रहेंगे। तो ये टेस्ट की बात हो गई, और इसके बेसिस के ऊपर हम लोग ने ये 2.2 के कुछ बेसिक न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, आई थिंक फोर्थ न्यूमेरिकल वॉज नॉट इन्वॉल्व इन दैट, फोर्थ फिफ्थ सिक्स हम लोग अलग से करेंगे, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो कि मैंने दोपहर को वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम बना के रखा था, बट अनफॉर्चुनेटली वो अपलोड नहीं हो पाया। ये देखिए अपना 2.2, ठीक है, सब आपके सामने रखता हूँ। ठीक है, डायग्राम भी मैंने ऑलरेडी सब निकाल के रखा ही है। ये फर्स्ट समय अपना तो क्या दिया था पता है, मैं सिनेरियो एक्सप्लेन करता हूँ कि ये सिनेरियो था, लाइन एम एन एंड लाइन एल उसका कॉमन ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पे दो एंगल बनते हैं एक्स और वाई, और एक्स का डिग्री दिया था 71 डिग्री, वाई का डिग्री दिया था 108 डिग्री। तो पूछते हैं कि भाई लाइन एम और एन आपस में पैरलर है क्या, तो ये जस्ट मैंने अभी जो देखा ना हमने द टेस्ट ऑफ इंटीरियर एंगल, ओके। तो कन्वर्स ऑफ इंटीरियर एंगल थ्योरम जो हम लोग को यूज करने का यहाँ पे, तो एक्स और वाई का हम लोग दिखने में तो ये इंटीरियर एंगल के जैसे दिख रहे थे, तो हम लोग ने इमीजिएटली उनका एडिशन करके देखा, एंड वी विल चेक वेदर दे आर सप्लीमेंट्री और नॉट। सो व्हाट वी गेट बेसिकली, उनका एडिशन आर द 179 विच इज नॉट इक्वल टू 180, मीन्स वॉट दीज टू एंगल्स आर नॉट सप्लीमेंट्री। तो ये दो लाइन जो है वो भी आपस में पैरलर नहीं रहेंगे। उसके बाद का इमीजिएट दूसरा समझौता, उसका सीनरी कुछ ऐसा था, लाइन एल है, एम है, एन है, ट्रांसवर्सल, यहाँ पे एक एंगल ए है और यहाँ पे एक एंगल बी है। अगर ध्यान से आप देखोगे सो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस वे, राइट। ये ऐसा कुछ याद है, मैंने ऐसे कुछ निकाला था एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो लग रहा है कि नहीं भाई इसके जैसा ही थोड़ा बहुत रिजेंबल कर रहा है, खाली यहाँ पे क्या है कि ऊपर आपका ऑप्टूज एंगल है और नीचे आपका सॉरी ऊपर आपका ऑप्टूज और नीचे भी आपका ऑप्टूज है। यहाँ पे क्या था, ऊपर भी अक्यूट है और नीचे भी अक्यूट था, बराबर है। तो खाली इतना फर्क है, लेकिन डायग्राम थोड़ा बहुत इसके जैसा रिजेंबल करके जा रहा है। सो सामने से बोला है कि ए एंड बी इज ऑलरेडी कॉन्ग्रेंट, सो इफ द एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, इफ द एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, देन इन एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स को जिन दो लाइन्स ने बनाया वो दो लाइन भी आपस में कैसे रहेंगे, पैरलर रहेंगे। सो लाइन एल विल बी पैरलर विथ लाइन एम। दिस वॉज अबाउट योर सेकेंड न्यूमेरिकल। थर्ड न्यूमेरिकल में थोड़ा सा बात जरा थी डिटेल की, तो उसमें मैंने कुछ डिटेल ऐड कर दिए। ये एक कॉमन ट्रांसवर्सल था विच वॉज द लाइन के, एंड दिस वॉज द लाइन एल, लाइन एम, लाइन एन। यहाँ पे ट्रांसवर्सल और एक है लेकिन उसका नाम नहीं दिया था, तो मैंने अपने आप से नाम दे दिया पी क्यू। पी क्यू विल बी द ट्रांसवर्सल फॉर लाइन एम एन एन, के विल बी द ट्रांसवर्सल फॉर द लाइन एल एम, ओके। दोनों के लिए ट्रांसवर्सल के एड करेगा वो। तो यहाँ पे देखते हैं अभी क्या हो रहा है। बोलता यह है कि ये ए और बी है, यहाँ पे एक्स और वाई है, ठीक है। इमीजिएटली पता चलता है यार कि ये अपना एल शेप बना रहा है, दिख रहा है आपको ये एल शेप बना रहा है, बराबर। एंड बोला है कि ए एंड बी आर ऑलरेडी कॉन्ग्रेंट, एक्स एंड वाई अगर उसको थोड़ा सा टिल्ट करके देखेंगे तो पता चलेगा कि जेड शेप बना रहा है, मतलब ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हो गया, बराबर। तो ये भी अपना कॉन्ग्रेंट दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो बात क्या है, देखो बोला है, पूछता है कि भाई आप जो है लाइन एल और एन को, लाइन एल और एन को पैरेलल दिखाइए। तो मैं क्या करूंगा पता है कि पहले लाइन एल और एम को पैरेलल दिखाऊंगा, फिर एम और एन को पैरेलल दिखाऊंगा। तो लाइन एल एम से पैरेलल है, एम एन से पैरेलल है, तो ऑब्वियसली लाइन एल भी एन से ऑटोमेटिकली पैरेलल हो ही जाएगा। तो एल और एम को कैसे पैरेलल दिखाएं, तो
तो ध्यान से देखिए, इफ द इफ यू आर कंसिडरिंग द लाइन एल एंड एम एंड के एज अ ट्रांसवर्सल, सो हियर द एंगल ए एंड बी विच आर लुकिंग लाइक द करस्पॉन्डिंग एंगल्स, विच आर लुकिंग लाइक द करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंड इफ वी सी इन द गिवन वी विल गेट दिस वन थिंग, कि ए एंड बी आर ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट. सो दीज आर द कॉन्ग्रुएंट करस्पॉन्डिंग एंगल. तो करस्पॉन्डिंग एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो भाई उनको जिन्होंने बनाया वो दो लाइन्स कैसे रहेंगे आपस में पैरेलल. तो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट भी आपके लिए लिख दिया है. सो आई एम जस्ट रीडिंग द स्टेटमेंट ओवर हियर. एंगल ए एंड एंगल बी आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म बाय टू लाइन्स, और वी कैन से दी एक वर्ड रह गया यहाँ पे, ठीक है, मैंने आगे कंक्लूड किया उसको. करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म बाय टू लाइन्स एल एंड एम एंड देयर कॉमन ट्रांसवर्सल के, वेयर ए इज कॉन्ग्रुएंट विद बी. ओके, सो इफ दिस कॉन्ग्रुएंट, द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देन लाइन्स विल बी पैरेलल. तो लाइन एल पैरेलल हो गया एम को, इक्वेशन नंबर वन. दूसरी बात करेंगे हम लोग एक्स और वाई की. तो फॉर दैट वी हैव टू कंसीडर द लाइन एम एंड एन, और एम एंड एन में लाइन एक्स और वाई, एंगल एक्स एंड वाई अगर देखेंगे तो ये करस्पॉन्डिंग नहीं, ये हो गया आपका इंटीरियर अल्टरनेट एंगल. सो बाय द इंटीरियर अल्टरनेट एंगल टेस्ट, इफ द इंटीरियर अल्टरनेट एंगल टेस्ट आर कॉन्ग्रुएंट, देन दोज लाइन्स विल बी पैरेलल. तो ये एम पैरेलल हो जाएगा एन को. तो यही मैंने लिखा आपके लिए, देखिए क्या लिखा है, मैंने पढ़ता हूँ ये आपके लिए. एंगल एक्स एंड एंगल वाई आर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय द लाइन एम एंड एन एंड देयर ट्रांसवर्सल पी क्यू. अभी नाउ दिस टाइम लाइन के विल नॉट बी ट्रांसवर्सल, लाइन पी क्यू विल बी ट्रांसवर्सल, और जो कि टेक्स्ट बुक में उसका नाम दिया नहीं है तो मैंने खुद से ये दो नाम दे दिया उसको, पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू विल बी ट्रांसवर्सल. हेंस एंड वी नो दैट एंगल एक्स इज कॉन्ग्रुएंट विद एंगल वाई, सो बाय इंटीरियर अल्टरनेट एंगल टेस्ट और कन्वर्स ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल थ्योरम, वी कैन सी दैट लाइन एम विल बी पैरेलल टू एन. तो ये इससे पैरेलल हो गया, ये इससे पैरेलल हो गया, सो लाइन एल अपने आप हो जाएगा एन से पैरेलल. ओके, तो ये हो गए तीन सम्स का हिस्ट्री हम लोगों ने देखा. बाकी जो दो सम्स है वो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखे थे, लेकिन एनीवेज वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया प्रॉपरली, तो हम लोग वापिस से चालू करेंगे उसको सॉल्व करना. इसे मैं आपके सामने रखता हूँ, डायग्राम उसके बना के रखता हूँ, ध्यान से देखिए. ओके, क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे जो है रे बी ए है, और ये जो है रे डी ई जो है, और इन्होंने ऑलरेडी दिया क्या है पता है, कि रे बी ए इज पैरेलल टू रे डी ई, इज पैरेलल टू रे डी ई, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है. ठीक है, बाद में देते हैं कि यहाँ पे एक एंगल दिया है जो दिया है 50 डिग्री, यहाँ का एक एंगल दिया है जो दिया है 100 डिग्री, एंड उसमें पूछा क्या है, कि पूछने के लिए क्या बोला है, कि फाइंड द मेजर ऑफ ए बी सी. पहले ए बी सी को पकड़े जरा, ए बी सी के ऊपर ध्यान दे जरा, कहाँ पे दिख रहा है ए बी सी, ये पॉइंट सी है. ठीक है, तो ये एंगल अपने को फाइंड आउट करने का है. तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है ना, ये है कंस्ट्रक्शन का, और जिसका हिंट ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है. तो कंस्ट्रक्शन का हिंट ये है कि अपने को एक लाइन ड्रॉ करने का है कि जो कि सी से पास हो और जो ए बी को क्या हो, पैरेलल, ए बी को क्या हो, पैरेलल. तो ये मैं लाइन निकाला, सो दिस इज अवर लाइन पी क्यू. तो मैं लिखता हूं यहां पे, आप भी जरा देखिए, कि वी ड्रू लाइन पी क्यू, जो कि पास किसमें से हो रहा है भाई, जो कर रहे हैं वो लिख रहा है बस, बाकी कुछ अलग दिमाग नहीं है. पी क्यू पासिंग थ्रू पॉइंट सी एंड पैरेलल टू रे बी ए, बराबर है. तो भाई बात यह हो गया, देखो बी ए डी ई को पैरेलल है, ये मैं पहले ही बता देता हूँ, बी ए डी ई को पैरेलल है, बी ए पी क्यू को पैरेलल है, तो भाई ये दोनों को पैरेलल है ना ए बी, तो ऑब्वियसली डी ई भी क्या हो गया, पी क्यू को पैरेलल, ये इससे पैरेलल है, ये इससे पैरेलल है, ये दो आपस भी क्या हो गए, पैरेलल हो गए, आपस में क्या हो गए, पैरेलल. ठीक है, तो वो पहले मैं बात लिख देता हूँ, मतलब वो याद रखो, फिर मैं पहले सम का प्लॉट समझा देता हूँ कि कैसे अपने को जाने का है. तो ज्योमेट्री में ना गाइस, कि जितना हम लोग ट्राई करेंगे कि क्वेश्चन पकड़ लो और क्वेश्चन को ना पीछे पीछे ट्रैक करते जाने का, डायरेक्टली सॉल्यूशन को हाथ लगाएंगे ना तो पूरा कंफ्यूज हो जाएंगे. तो क्वेश्चन को ट्रैक करते पीछे पीछे, ए बी सी निकालने का है, बराबर है, मैं आपके लिए बना रहा हूँ ए बी सी निकालने का. ठीक है, मैं एक देखता हूँ कि यार ए बी सी जो है एक क्लियर कट मेरे को जेड शेप दिख रहा है भाई, ए बी सी जो है ना वो जेड शेप बना रहा है बी सी क्यू के साथ, किसके साथ बना रहा है, बी सी क्यू, या किसी
कि कुछ भी करके अगर मुझे बी सी क्यू पता चल जाए, क्योंकि मुझे पता है बी ए एंड पी क्यू आर ऑलरेडी पैरेलल, तो ए बी सी एंड बी सी क्यू दीज आर द अल्टरनेट एंगल्स, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, पूरा का पूरा बी सी क्यू, पूरा का पूरा बी सी क्यू जी। तो ये बी सी क्यू अगर मिल जाएगा तो ए बी सी भी कितना रहेगा, इक्वल टू बी सी क्यू। अभी बी सी क्यू के लिए देखो, मैं यहाँ पे लिख दिया कि ए बी सी के लिए मेरे को क्या चाहिए, बी सी क्यू। अभी मेरे को बी सी क्यू के लिए कौन चाहिए, ये आप फ्लो नीचे भी निकाल सकते हैं या तो आड़ा तेड़ा जैसे आपको चाहिए वैसे आप निकाल सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा बाजू में लेके जाता हूँ, ठीक है। बी सी क्यू के लिए देखो, बी सी क्यू जो है वो दो एंगल्स का बना हुआ है, बी सी क्यू दो एंगल्स का बना हुआ है, बी सी डी एंड डी सी क्यू। तो बी सी क्यू को निकालने के लिए आपने को लगेगा डी सी क्यू, क्योंकि बी सी डी तो ऑलरेडी पता है 50 डिग्री, लेकिन डी सी क्यू अपने को पता नहीं, तो डी सी क्यू निकालना पड़ेगा। एक दफा डी सी क्यू अपना निकल जाता है तो डी सी क्यू विल हेल्प यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी सी क्यू एंड बी सी क्यू विल हेल्प यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। तो डी सी क्यू को निकालने का पड़ेगा। अभी डी सी क्यू को कैसे निकाले, डी सी क्यू को कैसे निकाले, तो भाई यहाँ पे क्लियर कट दिखेगा, ये जो 100 डिग्री है और ये डी सी क्यू है, दिख रहा है आपको, ये 100 डिग्री का एंगल मतलब ई डी सी एंड डी सी क्यू, दीज आर नथिंग बट द इंटीरियर एंगल, सी शेप बना रहे वो लोग, तो इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इफ दे आर फॉर्म बाय पैरेलल लाइंस। सो यहाँ पे अपने को पता चलेगा रे डी ई एंड पी क्यू विच आर ऑलरेडी पैरेलल, जो मैंने प्रूव किया था याद है ना, ए बी इसको पैरेलल है, बी ए इसको पैरेलल है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल है, तो ई डी सी एंड डी सी क्यू इंटीरियर हो गए, तो उससे नहीं निकल सकता क्या डी सी क्यू का वैल्यू, आराम से निकल सकता है, ठीक है। तो डी सी क्यू का वैल्यू निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, डी ई को पैरेलल दिखाना पड़ेगा पी क्यू से। ये हो गया आपका पूरा सम, ये इतने स्टेप्स में हो गया आपका पूरा सम, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ये इतने पूरे स्टेप में हो गया आपका पूरा सम, ठीक है। कैसे वो देखिए, अभी मैं शुरुआत यहाँ से करूंगा, शुरुआत में यहाँ से करूंगा, तो मैं क्या बोलूंगा सबसे पहली बात, भाई मेरा रे बी ए विच इज पैरेलल टू रे डी ई, इक्वेशन नंबर वन, वो गिवन वगैरह आप देख लो। देन मैं बोलूंगा कि रे बी ए इज पैरेलल टू लाइन पी क्यू, इक्वेशन नंबर टू। एक को तो रीजन आएगा आपका गिवन का, और दूसरे क्वेश्चन आएगा आपका कंस्ट्रक्शन का। इक्वेशन नंबर वन और टू अपने को क्या बोलेगा, फिर फ्रॉम वन एंड टू हम लोग क्या बोल सकते हैं कि रे डी ई इज पैरेलल टू लाइन पी क्यू, बराबर है। तो ये पैरेलल दिखा दिया भाई, तो पैरेलल दिखा दिया, तो अपने को बोल रहे हैं कि यहाँ पे दो इंटीरियर एंगल दिख रहे हैं, सो मेजर एंगल ई डी सी दिख रहा है, प्लस निकाल दो डायग्राम, ये लो निकाल लिया डायग्राम आपका पैरा ई डी सी जो कि 100 डिग्री है, और डी सी क्यू जो कि निकालने का है। तो मेजर एंगल ई डी सी प्लस मेजर एंगल, ये मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, पूरा सोल्यूशन देखेंगे क्लासेस में। ई डी सी हो गया 100 डिग्री, डी सी क्यू अपने को पता नहीं है, चलो थोड़ा डायरेक्ट करते, फिर डायरेक्ट कर लेते, नहीं कर लेते 180 माइनस 100, तो मेजर एंगल डी सी क्यू कितना हो जाएगा भाई, 80 डिग्री, कितना हो जाएगा 80 डिग्री। चलो ये एक स्टेप हो गया, ये भी स्टेप हो गया, तो डी सी क्यू हेल्प करेगा बी सी क्यू निकालने के लिए जरूर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि मेजर एंगल बी सी क्यू जो कि आपको दिख रहा है, दिस इज योर एंगल लाइक दिस वे, सो ये दो हिस्सों में बटा हुआ है, तो बी सी क्यू ये लंबा चौड़ा दिखेगा आपको, और यहाँ पे ये जो है वो 50 डिग्री है, और ये जो अभी आपने ताज़ा ताज़ा निकाला हुआ है 80 डिग्री। सो बी सी क्यू इज इक्वल टू व्हाट, मेजर एंगल बी सी डी प्लस मेजर एंगल डी सी क्यू, मेजर एंगल बी सी डी प्लस मेजर एंगल डी सी क्यू, ऐड कर दो 50 प्लस 80, आंसर हो जाएगा 130। सो मेजर एंगल बी सी क्यू अपने को मिला 130 डिग्री। ये वाला स्टेप भी हो गया। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि बी ए एंड पी क्यू आर ऑलरेडी पैरेलल, तो उसका भी डायग्राम निकाल लेते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका हो गया तीसरा डायग्राम। तो देखो मैं तो सजेस्ट करूंगा ना कि हर एक स्टेप में आप जितना डायग्राम निकालेंगे, बिकॉज द ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट द डायग्राम, जितना डायग्राम निकालेंगे जितना डिटेल बताएंगे तो सामने वाला एग्जामिनर भी खुश रहेगा कि भाई ये मेरे को क्या कर रहा है, ये सामने वाला बच्चा मेरे को क्या कर रहा है, हर एक स्टेप्स के ना मेरे को अलग अलग डायग्राम निकाल के दे रहा है। इसका मतलब ये सम उसने कोई रट्टा इट्टा मारा हुआ नहीं है, अच्छी तरीके से उसने सम को पूरा निगोल गया है, वो पूरा स्वैलो कर लिया, पूरा समझ गया उसको सम अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये क्या 130, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि सिंस वी नो दैट रे बी ए पैरेलल टू रे, सॉरी पैरेलल टू लाइन पी क्यू, एंड अगर आप देखेंगे कि सी क्यू जो है ना, या तो पूरा निकाल लो, चलो कोई बात नहीं पूरा निकाल लो, ठीक है पी क्यू। सो हियर वी कैन से ए बी सी कॉन्ग्रुएंट विद एंगल बी सी क्यू, रीजन क्या आएगा, अल्टरनेट एंगल,
अगर इंटीरियर अल्टरनेट लिखेंगे तो अच्छा गिरेगा, और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दे रहे सामने वाले को, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल फॉर्म बाय पैरेलल लाइंस एंड वन ट्रांसवर्सल बीसी, इसको ट्रांसवर्सल को मेंशन करना मत भूलिए। तो ये एबीसीडी कितना हो जाएगा भाई बोलिए? जी हाँ 130 डिग्री। शॉर्ट में समझ लिया, 15 मिनट का वीडियो हो चुका, ठीक है जी। फटाफट अभी हम लोग उसका नेक्स्ट सम देख लेते, नेक्स्ट सम इजी गिरेगा अपने को बहुत। देखिए डायग्राम कुछ ऐसे दी है, सम इजी है, सम बहुत इजी है। ये अपना डायग्राम है, ठीक है, ये अपना डायग्राम है। इसको स्टॉप कर दूं क्या जिसका वीडियो बनाते हैं? चलो देखते तो है कम से कम होता है कि नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा सा मतलब रेंज में आ जाए बस। या चलिए, तो ये है अपना ई, ये है ए, ये है बी, ये है डी, ठीक है, इतना समझ गया है ई ए डी डी। अभी यहाँ पे ऑलरेडी क्या बोला है मालूम, कि रे ए ई इज पैरेलल टू रे बी डी। जिसकी नज़र तेज है, जिसकी नज़र तेज है वो फटाफट बता पाएगा कि यार ए ई एंड बी डी पैरेलल है। तो ये देखो क्या फॉर्म हो गई है, इसको थोड़ा सा टिल्ट करना पड़ेगा, ये देखो दिख गए। अरे ये तो इंटीरियर अल्टरनेट फॉर्म हो गए, ठीक है, नज़र तेज रखना है अपने को। बाद में क्या बोला है पता है क्या, कि ये जो दिख रहा है अभी मैं जो निकाल रहा हूँ, दीज आर व्हाट द एंगल बाइसेक्टर्स, दीज आर व्हाट द एंगल बाइसेक्टर्स, ए एफ इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ई ए बी। तो व्हाट इट विल डू, इट विल डिवाइड द एंगल ई ए बी इंटू टू इक्वल पार्ट ई ए एफ एंड एफ ए बी। तो सामने से टेक्स्ट बुक में ही सामने से उन्होंने दो इक्वल वेरिएबल दे दिया भाई, ये एक्स तो ये भी क्या रहेगा एक्स, बराबर है। जैसे ये एक बाइसेक्टर है वैसे ये वाला भी एक बाइसेक्टर उन्होंने निकाल दिया अपने लिए, और इसको वेरिएबल दिया है वाई वाई। तो कैन यू सी दिस एंगल ए बी डी, तो इसका जो बाइसेक्टर है वो है अपना रे बी सी, एंड रे बी सी इज डिवाइडिंग द ए बी डी इनटू टू इक्वल पार्ट्स बी बी सी एंड ए बी सी, ओके। तो ये अपना पूरा सिनारियो हो गया। अभी पूछता क्या है, पूछता ये है कि ए एफ एंड बी सी को पैरेलल दिखाने का है, ए एफ एंड बी सी को ठीक है। तो ये भी सम, जैसे मैंने आपको ट्रिक बताया, ट्रिक तो नहीं बताया लेकिन जैसे हम लोग एक सिंपल मेथड बताया, ठीक है, रिवर्स में जाने का अपने को, पूरा रिवर्स में जाने का है। देखो रे ए एफ पैरेलल टू रे बी सी, बराबर। अभी लाइंस को जब पैरेलल दिखाते हैं ना तो फटक से सामने आ जाना चाहिए कि यार अपने पास तीन टेस्ट है, करस्पॉन्डिंग का टेस्ट है, इंटीरियर का टेस्ट है, अल्टरनेट का टेस्ट है। तो तीनों में से कोई एक टेस्ट यूज करके हम लोग उस उन दोनों लाइंस को पैरेलल दिखा सकते हैं जिन दो लाइंस ने उन एंगल्स को फॉर्म किया हुआ है, बराबर। तो यहाँ पे क्लियर कट दिख जाता है भाई कि ए एफ और बी सी को अगर पैरेलल दिखाना हो तो यहाँ पे दिख रहा है एफ ए बी, दिखा लंबा है जरा, लंबा वाला साइड एफ ए बी एंड ए बी सी, बराबर है। सो दीज आर द अल्टरनेट एंगल्स, दीज आर लुकिंग लाइक द अल्टरनेट एंगल्स एफ, वापिस से देखो एफ ए बी खाली एक्स एंड ए बी सी खाली वाई। तो अगर ये दो एंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट दिखा दूं तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई अल्टरनेट एंगल टेस्ट ए एफ विल बी पैरेलल टू बी सी। तो मेरा अभी अगला लक्ष्य क्या है, अगला लक्ष्य क्या है कि भाई ये प्रूव करने के लिए व्हाट आई नीड टू डू, एंगल मैंने अभी बोला ना एफ ए बी कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा ए बी सी, बात समझ रहे मेरी, बात समझ रहे, एफ ए बी एंड ए बी सी। अभी एफ ए बी एंड ए बी सी को इक्वल दिखाने के लिए क्या किया जाए, एफ ए बी एंड ए बी सी को इक्वल दिखाने के लिए क्या किया जाए, ठीक है, बात बहुत सिंपल है। इसको इक्वल दिखाने के लिए देखो एफ ए बी का वैल्यू क्या है अपना एक्स, ए बी सी का वैल्यू क्या है अपना वाई, तो अल्टीमेटली अपने को एक्स इज इक्वल टू वाई दिखाने का है, एक्स इज इक्वल टू वाई दिखाने का है। तो हम लोग क्या करते हैं मालूम, हम लोग क्या करते हैं, एक्स का वैल्यू निकालते हैं और वाई का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, एक्स और वाई का वैल्यू निकालते हैं। अगर आप देखो एक्स क्या है, एफ ए बी क्या है भाई, ई ए बी का हाफ है ना, ई ए बी बड़ा सा एंगल है, तो ई ए बी का हाफ मतलब क्या हो गया एफ ए बी। तो एक्स मतलब क्या हो गया पता है, एक्चुअली हाफ ऑफ ई ए बी, ठीक है, और y मतलब क्या हो गया पता है, y दिख रहा है आपको, y यहाँ का y पकड़ो, हाफ ऑफ
ए बी डी, हाफ ऑफ ए बी डी, ठीक है। ये दो वैल्यूज देखिए निकालेंगे हम लोग, फिर बाद में चेक करेंगे कि आर दे कमिंग इक्वल और नॉट, ठीक है। फ्लो समझा अपने को, सम यहाँ पे सॉल्व हो गया रे, खत्म हो गया सम, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे यहाँ से, फ्रॉम फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। आई एम राइटिंग फ्यू थिंग्स इन डिटेल ओवर हियर, वी आर वी विल से दैट रे ए एफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ई ए बी, ये ऐसा है ना, बराबर है। सो बोलो एक्स का वैल्यू क्या रहेगा, एक्स इज इक्वल्स टू मेजर एंगल एफ ए बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ई ए बी, हाफ ऑफ ई ए बी मेजर एंगल ई ए बी, मेजर एंगल नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। वैसे हम लोग इसके बारे में बोलेंगे, वैसे हम लोग इसके बारे में बोलेंगे, ठीक है।